जय श्री कृष्ण। डॉक्टर हिना विजय ओझा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर। तो आज हम मेष से मीन राशि का प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं, रमन शास्त्र और कोड़ी के ऊपर से। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि। तो ये वीक के लिए मेष राशि कैसा है, कोड़ियों से जानते हैं। सातवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो सातवें भाव से कनेक्टेड दिखा रहा है। कहीं जाहिर जीवन में आप आने वाले कुछ नया करना चाहते हो, कुछ अपना बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हो, तो आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो और पार्टनरशिप करने से आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। आगे बढ़िए, कहीं पे मीडिया में भी आ सकते हो, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो। और कहीं पर लगता है युवक युवती की शादी के योग भी बन रहे हैं, तो ये भी अच्छा दिखा रहा है। लेकिन सक्सेसफुल नहीं मिला है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आता रहता है, कुछ सक्सेसफुल लाइफ में नहीं होता है। जब लड़का लड़की देखने के जाते हैं तभी भी प्रॉब्लम आ जाती है, पसंद आ जाता है आमने सामने, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए, तो हो सके तो आपको क्या करना है कि आप जो भी भगवान को मानते हो वहाँ पर जाके आपको एक ध्वजा चढ़ानी है टेम्पल में जाके, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। और आपके घर में जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वहाँ पर भी आप वस्त्र भगवान के येलो कलर के रख दीजिए, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हो सके तो नॉर्थ ईस्ट दिशा को शुद्ध रखें ताकि उसके फायदे अनेक गुना बढ़ जाएंगे आपका। तो लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर और कलर रहेगा मिक्स एंड मैच कलर। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये भी के लिए क्या कहते हैं, सातवें भाव से अगेन कनेक्टेड हो रहा है वृषभ राशियों के लिए। तो वृषभ राशियों के लिए भी बहुत अच्छा वीक दिखा रहा है। कहीं पे युवक युवती के शादी के योग बन रहे हैं, तो कहीं पे कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है, या शादी में जा रहे हो या तो शादी में इंजॉय कर रहे हो, तो ये वीक बहुत बढ़िया दिखा रहा है। कहीं पर लगता है कि हमें आगे कुछ करना चाहिए, या तो खुद अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे, तो आप खुद अपना बिजनेस कर सकते हो, पार्टनरशिप भी कर सकते हो, उससे काफ़ी फायदा होगा। उसमें एक औरत का होना बहुत ज़रूरी है, तो उससे काफ़ी देवी शक्ति बोली जाती है, तो वो काफ़ी फायदा रहेगा आपके लिए। और या तो आप अपनी कुल देवी के नाम पे भी बिजनेस खोल सकते हो, तो ये भी एक बेनिफिट रहता है। कंपनी भी उनके नाम पे खोल सकते हो। और लगता है कि कहीं मीडिया में आना चाहते हो, पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, ये भी बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। तो मीडिया में भी आप जा सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, सक्सेसफुल लाइफ में नहीं मिल रही, तो आपको हो सके तो क्या करना है कि कहीं टेम्पल में जाके आपको हो सके तो वहाँ पे जो आश्रम में भी जा सकते हो। आश्रम में भी आप वृद्ध लोग की, या तो हो सके तो कहीं पे जैसे बालकों को भी आश्रम रहता है, छोटे बच्चों का भी, पढ़ाई का भी रहता है, युवक लोगों का भी रहता है, तो यहाँ पे आप कपड़े का, वस्त्र का दान भी कर सकते हो, उससे भी काफ़ी फायदा रहेगा। छोटे बच्चे को भी दे सकते हो, पढ़ाई के खर्चे भी दे सकते हो, पढ़ाई के लिए भी एक चिल्ड्रन को आप अडेप्ट कर सकते हो, तो उससे भी काफ़ी फायदा होता है। तो ये भी आप कर सकते हो रेमेडी के साथ पे। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपको हो सके तो गाय का घी का दिया जलाइए। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर और कलर रहेगा मिक्स एंड मैच कलर। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, अगेन सातवां भाव आ रहा है, तो कंटिन्यू मेष राशि, वृषभ राशि, अभी मिथुन राशि के लिए भी 7th भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो जाहिर जीवन में काफ़ी उथल पाथल हो रही है, आप देख रहे हो, और मौसम का, वेदर्स का भी हो सकता है कहीं पे। तो मेष, वृषभ और अभी मिथुन राशि को भी 7th भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो हो सके तो जितना भी दान धर्म करे जाहिर जीवन में भी आप कर सकते हो, तो उससे भी काफ़ी फायदा रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है तो वो प्रॉब्लम्स टल जाएगी। और मीडिया में है प्रॉब्लम आ सकती है, या तो पॉलिटिक्स में भी आप जा सकते हो। कहीं पे आपको नया बिजनेस करने की सोच है तो नया बिजनेस भी कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी फायदा रहेगा। कोई एनजीओ भी खोल सकते हो, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। 7th भाव से कनेक्टेड रहता है तो धर्म का ज़्यादा होता है, धर्म की टूर एंड ट्रैवल्स भी कर सकते हो बिजनेस में, तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं, कहीं पे शादी पे जा रहे हो, या तो शादी करवा रहे हो, या तो खुद शादी में जा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। धर्म के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। कहीं में कहीं कुछ ना कुछ छोटी छोटी मोटी यात्रा भी दिखा रही है, तो आप जाहिर में भी जा सकते हो। तो कहीं पे दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है,
तो क्या करना है कि जैसे आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट दिशा को शुद्ध रखनी है, और हो सके तो मिक्स एंड मैच कपड़े, आप भगवान के वस्त्र भी चेंज करके नए ला सकते हो। उससे भी आपके जीवन में, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, सक्सेसफुल नहीं मिल रही है, तो वो सक्सेसफुल मिलना चालू हो जाएगा, तो उससे काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सेवन्थ नंबर से कनेक्टेड हो रहा है, लकी नंबर रहेगा सेवन्थ नंबर, और कलर रहेगा मिक्स एंड मैच कलर। अभी आ रही है कर्क राशि, तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या करेगी? छठे भाव से कनेक्टेड हो रहा है रोग शत्रु, कोर्ट कचहरी के मामले, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, नौकर चाकरों के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है ये वीक के लिए। कहीं पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थोड़ी बर्डन्स भी आ सकती है, तो कहीं पे लगता है कि जॉब में भी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़े अर्डन्स हो सकता है, बर्डन्स हो सकता है, कहीं पे आपको नया जॉब ढूंढने की भी आवश्यकता हो सकती है। तो ये वीक के लिए थोड़ा शांत रहें, और हो सके तो आपको क्या करना है, आपके आजू बाजू जो भी हॉस्पिटल होते हैं, जो भी कोर्ट कचहरी होती है, तो वहाँ पे जाके आपको एक्वा गार्ड का पानी भर के आना है, और वही एक्वा गार्ड का पानी पीना है आपको, और घर के अंदर छिड़काव करना है। आप जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो जॉब में से एक्वा गार्ड का पानी लेके आइए और घर में आप छिड़क दीजिए। और हो सके तो साउथ वेस्ट में आपको रात को सोने के टाइम पे एक कपूर एक लौंग जलाना है, तो काफ़ी फायदा होगा। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, और रात को टाइम पे ये जलाना है, और घर की जो मेन दहलीज रहती है वहाँ पे भी हो सके तो एक मिट्टी का दिया लेके और कपूर लौंग और तेज पत्ता डाल के वहाँ पे सुबह में भी एक धूप कीजिए वहाँ पे, और रात को साउथ वेस्ट में करना है, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। जो भी प्रॉब्लम्स आए थोड़ी आएगी, लेकिन उसमें से आप बाहर निकल जाओगे। तो लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर, और कलर रहेगा वाइट। अभी आ रही है सिंह राशि, तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या करती है? अगेन 6 नंबर, आज क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, तो 6 नंबर आ रहा है, तो 6 नंबर से कनेक्टेड हो रहा है, तो कहीं पे नौकर चाकर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कहीं पे हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, सर्वेंट के प्रॉब्लम, रिलेटिव्स में प्रॉब्लम्स, कहीं पे आपके पास कोई पैसा लेने आए कैश, रिलेटिव्स हो या सर्वेंट हो, तो किसी को भी पेमेंट नहीं देना है बिना एग्रीमेंट के, नहीं तो ये पैसा रिटर्न नहीं आ सकते, थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपने जो ट्रस्ट और विश्वास के साथ पैसे देते हो, लेकिन वो ट्रस्ट और विश्वास नहीं रहेगा, तो खास ध्यान रखना है ये वीक के लिए हो सके तो। और कहीं पे आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, जॉब में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है ये वीक के लिए, मौन और साइलेंट रहे बने तो ये वीक के लिए, कोई खर्चा भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, तो आपका खास पैरों का ध्यान रखना है, और कमर से पैरों तक का कहीं पे प्रॉब्लम आ सकती है, हड़बड़ी में कहीं पे पैर में मोच आ सकती है, तो ये वीक के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। और हो सके तो रात को चंद्रमा के दर्शन कीजिए, और नॉर्थ वेस्ट दिशा में जल का तांबा का लोटा पानी भर के एक मुट्ठी चावल डाल के एक ऊपर कॉकोनट रख दीजिए, और वापस मंडे टू मंडे चेंज करना है, खास ध्यान रखें। और रात को चंद्रमा के दर्शन डेली कीजिए, वो भूल जाए तो रात को सोने के टाइम पे आपकी जो कुल देवी है या तो आपकी माता श्री, उसका दर्शन कीजिए पैर छू के, तो उससे काफ़ी फायदा होगा, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली वो प्रॉब्लम्स वाली चली जाएगी। लकी नंबर रहेगा 6 नंबर, कलर रहेगा वाइट। अभी आ रही है कन्या राशि, तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या करती है? ग्यारह भाव से कनेक्टेड हो रहा है, कन्या राशियों के लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन रहे हैं, बड़े भाई बहनों द्वारा भी हो सकता है, मित्र द्वारा भी हो सकता है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, दामाद बहू द्वारा भी हो सकता है, और कहीं पे शेयर मार्केट कनेक्टेड पैसे आपने कुछ इन्वेस्ट किए तो उसके भी बेनिफिट और प्रॉफिट आने की शक्यता बढ़ रही है, तो अच्छा दिखा रहा है। तो ग्यारहवें भाव से कनेक्टेड हुआ है तो ये वीक के लिए बहुत ही अच्छा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे दिक्कत हो रही है कि पैसे नहीं आ रहे, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, हो सके तो आपके ये नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वहाँ पे गुरु का स्थान रहता है, हो सके तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ भगवान को जाके आपको प्रार्थना करके फिर उनको बोलनी है, तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और हो सके तो वहाँ पे गाय का घी का दिया जलाए और पीली मिठाई भोग में लगाइए, तो आपका कार्य जहाँ रुका हुआ वो कार्य आपका स्टार्ट हो जाएगा, लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे।
और हो सके तो फ्राइडे के दिन माता जी को व्हाइट कलर की मिठाई और फ्लावर्स में आप रेड रोज रख सकते हो, तो माता जी को ये भी बहुत अच्छा पसंद है, खारेक भी पसंद है, अनार भी पसंद है, तो ये भी अच्छा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 11 नंबर और कलर रहेगा आपका व्हाइट और रेड कलर। अभी आ रही है तुला राशि, तो तुला राशि के लिए ये भी कैसा रहेगा। आठवें भाव से कनेक्टेड हुआ है तुला राशियों के लिए, तो तुला राशियों के लिए ये भी थोड़ा सा मध्यम भी दिखा रहा है, अच्छा भी दिखा रहा है। आठवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, कहीं पे माल मिलकर धन संपत्ति डटा हुआ, धन की प्राप्ति हो रही है। कहीं पे आठवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो कमर से लेके पैरों तक भी प्रॉब्लम आ सकती है, पैरों में मोच आ सकती है, घुटने के प्रॉब्लम, कमर में मचक आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। मानसून चल रहा है, बारिश हो रही है, तो थोड़ा अपनी बॉडी और हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आठवें भाव से कनेक्टेड है तो कहीं किसी के मृत्यु के समाचार भी आ सकते हैं। आठवें भाव से कनेक्टेड है तो हो सके तो आपको क्या करना है, आपके घर की जो साउथ ईस्ट दिशा है उसको शुद्ध रखनी है और वहाँ पे हो सके तो लक्ष्मी माँ का स्थापन कर दीजिए। रेड नीचे कपड़ा बिछाना है और माता जी को बिठा दीजिए तो काफ़ी फायदा रहेगा। और माता जी को अनार में अनार धराना है फ्रूट में, और गाय का घी का शुद्ध दिया जलाना है, शाम के टाइम पे गूगल का धूप करना है और खारेक धरानी, तो उससे माता जी बहुत प्रसन्न हो जाएगी, तो उससे काफ़ी फायदा होगा, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आपका छुपा हुआ धन भी प्राप्ति मिल जाए शायद। और आठवें भाव से कनेक्टेड होते हो रही है तो आपको हो सके तो क्या करना है कि यहाँ पे छोटा सा शुक्र का पहाड़ है, हस्तरेखा के मुताबिक होते हैं, तो यहाँ पे गुलाब का अत्तर लगा सकते हो, उससे काफ़ी फायदा होगा। हो सके तो यहाँ पे ग्रीन कलर से, ग्रीन पेन से 6 नंबर 3 बार भी लिख सकते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और हो सके तो ये जो रेमेडी बताई वो करने से काफ़ी फायदा रहेगा। और लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर और कलर रहेगा पर्पल ब्लू और ब्लैक कलर। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहेंगे। पांचवे भाव से कनेक्टेड हो रहा है वृश्चिक राशियों के लिए, तो वृश्चिक राशियों के लिए कहीं पे पूर्व पुण्य के जो कर्म है वो उनके काम आ रहे, कहीं पे संतान के टेंशन हो रही, संतान के एजुकेशन के बारे में या तो मनी प्रॉब्लम्स हो रही, बच्चों को कौन से उसमें डाले स्पोर्ट्स में के, तो स्पोर्ट्स में भी बच्चे को डाल सकते, उसमें भी उनका फ्यूचर अच्छा रहेगा। कहीं पे शेयर मार्केट कनेक्टेड आपको लग रहा है तो शेयर मार्केट कनेक्टेड थोड़ा 50-50% दिखा रहा है, ज़्यादा आपको हो सके तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा अभी नहीं मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान रखें उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। और कनेक्टेड पाँचवा नंबर, तो आपका हो सके तो नॉर्थ दिशा आपकी घर की शुद्ध नहीं है, थोड़ा नेगेटिव शाइन हो रहा है, तो आपको हो सके तो वहाँ पे एक मिट्टी का दिया लेके कपूर लौंग और तेज पत्ता लेके वहाँ पे आपको जलाना है, और हो सके तो प्लास्टिक की कचोरी या तो कांच की कटोरी लेके वहाँ पे साबुत मूंग रखना है और वो वेनसडे टू वेनसडे चेंज करना है और पशु पक्षियों को डाल देना है, उससे काफ़ी फायदा रहेगा। हो सके तो गाय को हरा घास खिलाए, जो भी प्रॉब्लम आने वाली वो प्रॉब्लम सारी चली जाएगी और जो भी मनी प्रॉब्लम्स हो रही तो वो मनी प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। और लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर और कलर रहेगा ग्रीन कलर। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। तीन नंबर आ रहा है मकर राशियों के लिए, तो 3 नंबर कहीं पे दिखा रहा है पड़ोसियों के साथ या तो छोटी ट्रैवलिंग हो सकती है या तो 3 नंबर से कनेक्टेड हो रहा है, तो कहीं पे लगता है कि पड़ोसियों के साथ या तो छोटे भाई बहनों के साथ भी आप कहीं घूमने फिरने का पिकनिक का प्लान कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ नया दिखा रहा है, तो हो सके तो आप ट्रैवलिंग करने के लिए भी जा सकते हो। 3 नंबर से कनेक्टेड हो रहा है तीसरे भाव से, तो तीसरा भाव ये दिखा रहा है कि कहीं पे कुछ ना कुछ थोड़ी बर्डन्स भी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है ये वीक के लिए। तो आपको हो सके तो क्या करना है कि आपके घर की जो नॉर्थ वेस्ट दिशा है वहाँ पे आपको चंद्रदेव के दर्शन करने हैं, और हो सके तो आपकी घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा है वहाँ पे आपको आपका जो भगवान का स्थान रहता है वहाँ पे आपको गाय का घी का शुद्ध दिया जलाना है, और हो सके तो वहाँ पे पीली मिठाई धरानी है और 5 जन को आपको पीले लड्डू प्रसाद में देने हैं, तो उससे काफ़ी फायदा होगा, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली वो नहीं आएगी।
और ट्रैवलिंग में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, पड़ोसियों के यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो भी उसमें से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा वीक दिखा रहा है, थोड़ा आगे बढ़िए और थोड़ी सी रेमेडी कीजिए तो आपका कार्य हो जाएगा। लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर, कलर रहेगा येलो कलर। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये भी के लिए क्या कहते हैं, आठवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मकर राशियों के लिए। तो मकर राशियों के लिए दिखा रहा है कि कहीं पे आठवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो कहीं माल मिलकर धन संपत्ति कुछ रिलेटिव्स कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो रही है, या तो छुपा हुआ धन की प्राप्ति हो रही है, या तो मकान मिल रहा है, या तो आपके पैरों के घुटनों के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पैरों में मचक आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है ये वीक के लिए कि बारिश भी बहुत है तो ये सब भी ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यू हो सकता है। यही आठवें भाव से कनेक्टेड हो किसी के मृत्यु के समाचार भी आ सकते हैं तो ये वीक के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर और कनेक्टेड टू आपको क्या करना है कि आपके घर की जो वेस्ट दिशा है वहाँ पे बैठ के सरसों का तेल का दिया जलाना है, लंबी वाट का 2 लौंग डाल के फिर हनुमान चालीसा या तो बजरंग बाल का पाठ भी कर सकते हो, और ट्यूसडे के दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए तो उससे काफ़ी फायदा होगा, जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर रहेगा आपका पर्पल ब्लू और ब्लैक कलर, नंबर रहेगा 8 नंबर। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये भी के लिए क्या है, आठवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो आठवें भाव से कनेक्टेड माल मिलकर धन संपत्ति कुछ मिलने वाला है तो मिल रहा है, और कहीं पे जमीन में भी डटा हुआ धन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो ये वीक के लिए थोड़ा अध्ययन अच्छा और थोड़ा मध्यम भी दिखा रहा है। आठवें भाव से कनेक्टेड है तो कहीं पे किसी के मृत्यु के समाचार भी आ सकते हैं, और आठवें भाव अपने हेल्थ के इश्यू भी दिखा रहे हैं कमर से लेके पैरों तक, तो थोड़ा ध्यान रखना है, पैरों में मोच आ सकते हैं, घुटनों में दर्द हो सकता है, या तो कमर में लचक भी आ सकती है, तो ये वीक के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। हो सके तो आपको क्या करना है, जो मंदिर के बाहर बैठते हैं जो भिखारी लोग रहते हैं, सर्वेंट लोग रहते हैं, सबको खाना खिलाना है तो उसे काफ़ी अच्छा रहेगा, जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो चली जाती है। थोड़ा दान धर्म कीजिए मंदिर के अंदर मंदिर के बाहर पे भी, तो खाना खिलाइए, कपड़े का दान कीजिए, वस्त्र का, तो उससे काफ़ी अच्छा है, जिसको ज़रूरत है उसके दीजिए, या तो वृद्धाश्रम में भी आप दे सकते हो तो वो भी आपको अच्छा बेनिफिट देगा। तो लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर और कलर रहेगा पर्पल ब्लू और ब्लैक कलर। अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये भी के लिए क्या है, ग्यारह भाव से कनेक्टेड हो रहा है मीन राशियों के लिए तो कहीं पे धन संपत्ति मिलकत मिल रही है, दामाद द्वारा हो या बहू द्वारा या तो बड़े भाई बहनों द्वारा भी हो सकता है, तो ये कुछ ना कुछ दिखा रहा है, लक्ष्मी प्राप्ति के योग बने, शेयर मार्केट द्वारा भी हो सकता है और ये भी अच्छा दिखा रहा है, पर कहीं पे सक्सेसफुल नहीं मिल रही है, काम नहीं हो रहा है, तो सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाइए, गायत्री पानी का जल का अर्घ चढ़ाइए और गायत्री मंत्र जाप के साथ या तो एक माला डेली आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए तो जो भी दुविधा आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो सारे प्रॉब्लम्स आपके चले जाएंगे, और हो सके तो रात को चंद्रमा के दर्शन कर दीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो कुल देवी की मन्नत भी ले सकते हो, उससे भी आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो हो सके तो इतना करने से बेनिफिट ज़्यादा और अच्छा रहेगा। तो ये वीक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरे हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसमें यूट्यूब चैनल में बहुत सारे अलग अलग नुस्खे भी दिखाए, और हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। आपके प्रॉब्लम्स भी है तो आप हमें नीचे हमारा बॉक्स दिया हुआ कमेंट्स में आप लिख सकते हो, तो मैं आपका प्रश्न का उत्तर भी दूंगी। थैंक यू वेरी मच।